Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Yesterday we did about the Karkota dynasty and the most famous king among them was your Lalit Aditya. He was also known as? Exactly. Now I'll ask you questions and the person I ask, only that person is going to answer. Fine. Sabse pehle to aap. She was smiling the most. So aap bataye, who wrote the book Land of Llamas? The one I asked, Alexander Cunningham, right? Okay, the Valley of Kashmir, who wrote? Walter Lawrence. Kis kis ne padha tha kal ghar jaake? Likh lijiye, Valley of Kashmir. Valley of Kashmir by Walter Lawrence. वॉल्टर लॉरेंस. कहीं कहीं पे इसके स्पेलिंग एल ई आई यू भी लिखे होते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना है. दैट लॉरेंस एंड दिस लॉरेंस इज वन. रिमेंबर इट बाय वॉल्टर. वॉल्टर से याद रखो. लॉरेंस के स्पेलिंग जैसे भी होंगे आपने उसी को टिक मारना है. डन. ओके, सो नाउ ओके, टेल मी हु रोट तारीख़े कश्मीर. मलिक हैदर. मलिक मोहम्मद नहीं, मलिक हैदर. एंड किसके कोर्ट में नोबल था वो? नहीं लिखा, लिखिए. नहीं लिखा, ऐसे कैसे हो गया? चलो ठीक है, अकबर के कोर्ट में नहीं था, लिखिए. ही वॉज अ नोबल इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह. यूसुफ शाह. ही वॉज अ नोबल इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह. हु? मलिक हैदर. कहीं कहीं पे हैदर मलिक भी लिखा होता है, वन एंड द सेम थिंग. यूसुफ शाह. इसके साथ कल लिखवाया था तारीख़े कश्मीर, इट वॉज रिटन बाय मलिक हैदर और हैदर मलिक. नाउ हु वॉज मलिक हैदर और हैदर मलिक? ही वॉज अ नोबल इन द कोर्ट ऑफ विच किंग? यूसुफ शाह, जिनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे. अब इसके साथ आई टोल्ड यू देयर वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम हु हैड कम. व्हाट वॉज द नेम? अब सबसे बड़ी बात, वो किसके टाइम पीरियड में आया था? दुर्लभवर्धन. वेरी गुड. इसके साथ एक और यूरोपियन ट्रैवलर आई टॉक्ड अबाउट वॉज फ्रांसिस बर्नियर. व्हाट डिड ही डू? लाइफ, सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ ऑफ मुगल किंग्स. अब किस मुगल किंग के टाइम पे वो आया था? औरंगजेब के टाइम पे आया था. ये लिखवा दिया था ना? वेरी गुड. अब इसके साथ हमने फिर किया था, हु वाज द फाउंडर फॉर योर कारकोटा डायनेस्टी? दुर्लभवर्धन. और उसी के टाइम पे आपका ह्यूनसांग भी आया था. नाउ उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम टू बी रिमेंबर्ड इन कारकोटा इज योर ललित आदित्य, ऑल्सो नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर. नाउ कारकोटा डायनेस्टी में ललित आदित्य के बाद देर वॉज नॉट इवन अ वन सिंगल स्ट्रॉन्ग रूलर जो कारकोटा डायनेस्टी को आगे चला सकता था. अब था क्या? देवर ट्राइबल पीपल देर. नाउ देर इज एन इंपॉर्टेंट नेम नोन एज धमारस. ये किसी बंदे का नाम नहीं, इसको सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है. हु आर दीज पीपल? देवर फ्यूडल लॉर्ड्स. वॉट आर फ्यूडल लॉर्ड्स? फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल का मतलब क्या होता है? जो लैंड के साथ डील करते हैं. सिमिलरली उस टाइम पे क्या था, बिकॉज देवर नो स्ट्रॉन्ग रूलर, ललित आदित्य के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, जिसके चलते धमारस देवर गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलैरिटी और ये अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. फाइन. अब लास्ट किंग टू रिमेंबर इन कारकोटा डायनेस्टी इज योर जयापिता. हु इज इट? ओके, चलो, वेरी गुड. सो ही वॉज द लास्ट रूलर इन द कारकोटा डायनेस्टी.
ठीक है. सो ये याद रखना है फाउंडर का नाम, ललित आदित्य का नाम, एंड द लास्ट रूलर वॉज योर जयापिता. नाउ जयापिता का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी को हटा के इट इज गोइंग टू बी अवंती वर्मन जो आएगा और स्टार्ट करेगा आपका उत्पला डायनेस्टी. सो इसका हेडिंग डालो आप उत्पला डायनेस्टी. लिखिए फाउंडर वॉज अवंती वर्मन. अवंती वर्मन. ठीक है, चलो अब लिखो. जब हम अवंती वर्मन की बात करते हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं. वन इज योर सुरा एंड नंबर टू इज योर सुया. इसको एज अ कहानी सुन लो, उसके बाद आई मेक यू राइट. नाउ अगर आपको पेपर में कभी भी पूछा जाए व्हाट इज दिस, अगर पेपर में कभी भी पूछा जाए कि हु वाज द मिनिस्टर और हु वाज द पर्सन हु हेल्ड अवंती वर्मन टू किल जयापिता एंड स्टार्ट द रूल ऑफ उत्पला डायनेस्टी, इट वाज सुरा. सो विद द हेल्प ऑफ सुरा इट वॉज हिम हु एक्चुअली प्लेड एज अ किंग मेकर. इन्होंने एज अ किंग मेकर का काम किया था, हेल्प किया था इनको थ्रोन में आने के लिए, राइट. ललित आदित्य के टाइम पे बिकॉज ही वॉज नोन एज अ समुद्र गुप्त, उसके टाइम पे क्या हुआ था ना, उन्होंने देर वर लैंड्स जो दो काम सबसे इंपॉर्टेंट किए थे. एक तो एरेबल आपको लैंड्स दिया था जहाँ पे आप अपना एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हो. नंबर टू उन जगहों से पानी डाइवर्ट किया था जो फ्लड प्रोन थे और उन वो पानी वहाँ पे डाइवर्ट किया गया था जो एरियाज ड्राई थे. लेकिन ललित आदित्य के बाद देयर वाज नो स्ट्रांग रूलर. अब वहाँ पे क्या हुआ, ये जो पूरा काम वाम चल रहा था वहाँ पे आ गया स्टॉपेज. नोबडी गेव एनी अटेंशन कि हम देखें कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिसके चलते बड़े बड़े बोल्डर्स हैड इंटरप्टेड द फ्लो. सो नाउ व्हाट हैपेंड, जहाँ से पानी जा रहा था वहाँ पे पत्थर वगैरह आ गए और वहाँ पे स्टॉपेज आ गया. अब व्हाट ही डिड वॉज, इसने फ्री हैंड दिया अपने मिनिस्टर को और बोला कि भाई जो भी काम पहले हुआ था उसको वापस से किया जाए. अगर क्वेश्चन आए किंग मेकर और द वन हु हेल्प्ड हिम बिकमिंग अ किंग, इट इज सुरा. अगर पूछा जाए कि इसके अंडर ऐसा कौन सा मिनिस्टर था जिसने क्या किया था, जिसने इरिगेशन, जिसने वाटर मैनेजमेंट में अपना नाम बड़ा कमाया था इनके टाइम पीरियड में, इट वॉज सुया. सो इतना याद रखो, ही वॉज मोर लाइक योर इरिगेशन मिनिस्टर एंड सुरा वॉज लाइक योर प्राइम मिनिस्टर. सो ये प्राइम मिनिस्टर था और ये आपका मिनिस्टर था. और कौन सा मिनिस्टर था जिसने इरिगेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया था, एंड अवंती वर्मन गेव इन फ्री हैंड विद ऑल द रिसोर्सेज कि भाई तेरे को जो करना है तू कर, लेकिन द लाइफ हैज़ टू बी बैक टू बेसिक्स और जितना हो सके हम लोगों को हेल्प करेंगे. क्लियर, अब इसको लिखो. जो द वन हु वर्क्स विद दिस टाइपिंग एंड ऑल, ही वॉज एब्सेंट टुडे. सो नाउ व्हेन ही विल कम द नेक्स्ट टाइम विल मेक श्योर वी गिव यू प्रिंट आउट्स पहले ही, सो दैट इट कम्स इजी फॉर यू. सो आई विल रीड आउट, यू कैन मार्क द पॉइंट्स विच आर टू बी रिमेंबर्ड. फाइन, चलो. द मिनिस्टर सुरा मैनेज्ड टू सीट अवंती वर्मन सीट अवंती वर्मन. नाउ अवंती वर्मन ने क्यों उत्पल डायनेस्टी का नाम दिया था, क्योंकि ये जिसका ये ग्रैंडसन था उसका नाम यही था, तो इसने अपने दादाजी के नाम पर ही अपनी डायनेस्टी को शुरू किया था. कॉमा डाल के लिखो ग्रैंडसन ऑफ उत्पलाका, ग्रैंडसन ऑफ उत्पलाका. तो उन्हीं के ही नाम पे उत्पल डायनेस्टी गॉट स्टार्टेड. लिख लिया, नेक्स्ट लिखिए. ही वॉज एबली असिस्टेड बाय चीफ मिनिस्टर सुरा और प्राइम मिनिस्टर. ही वॉज एबली असिस्टेड बाय चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सुरा.
And the second important person, and the second important person was his minister Suya, S-U-Y-Y-A. And the second important minister was Suya. अब सुया जो है ना उसका एक कॉमा डाल के लिखो, who was the architect, who was the architect of several works, who was the architect of several works of public welfare and irrigation. Of welfare and public welfare and irrigation. Fine, आगे लिखिए. Okay, so now हमको कैसे चल, now Sura and Avanti Varman had a very cordial relation. मतलब उनका relationship बहुत अच्छा था and Sura was always there to help him. कोई भी rebellion start होता था, कोई भी अगर used to try to conquest against him, तो it was Sura who used to stand first. और इतना able king था कि इसके चलते nobody could touch Avanti Varman. अब ये हमको चलता कैसे है पता, ये चलता है हमको फिफ्थ बुक ऑफ राज तरंगिनी में मेंशन किया गया है कि सुरा एंड अवंती वर्मन हैड अ कॉर्डिनल रिलेशन. लिखो इन द फिफ्थ बुक ऑफ राज तरंगिनी, इन द फिफ्थ बुक ऑफ राज तरंगिनी इट इज मेंशनड दैट सुरा एंड अवंती वर्मन that Sura and Avanti Varman had cordial relations or good relations. In the fifth book of Raj Tarangini, it is mentioned that Sura and Avanti Varman had cordial or good or friendly relations. ठीक है, अगर हम सुया की बात करें, याद रखना ज़रूरी है, इतना याद रखना ज़रूरी तो नहीं है, बट जस्ट इन केस इफ यू कैन रिमेंबर इट, कि जब सुया केम इनटू दिस पब्लिक वेलफेयर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसने कौन सी लेक का पानी ड्रेन आउट करके या उस हिसाब से प्लान किया था कि इट कैन बी हेल्पफुल फॉर द पीपल, इट वॉज महापद्मा. नाउ विच लेक इज महापद्मा लेक? महापद्मा. ठीक है, सो महापद्मा का नाम याद रखना. सो इट इज महापद्मा, और जिसको एंशियंट टाइम पे महापद्मा कहते थे, एंड प्रेजेंट डे पे इट इज एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक. लिखिए इसको. The water of the Mahapadma Lake, the water of the Mahapadma Lake was drained out to some extent, was drained out to some extent through suitable channels, which helped to reduce the danger of flooding, and increase the land produce. Just in case, if I'm going fast, please tell me. Are you able to write? Should I go slow? ठीक है. हाँ. To increase the land produce and decrease or reduce the damage caused due to flooding. ठीक है? Reduce the damage due to flooding and increase the land produce. ठीक है? अब next लिखिए. Suya also planned. The confluence, what is confluence? Milna, merge karna. He also planned
the confluence of two important rivers, namely Sindhu, present day, and Vitasta, present day. It is also called as Vitasta, present, मतलब present day नहीं, जेलम तो modern times में हम बोलते हैं, Vitasta was called आपके पुराने time पे, Kashmiri is called it Vit, and Hydaspes by Greeks. So Hydaspes used to call, Hydaspes was called by Greeks. So ये सब नाम किसके हैं आपकी, जेलम के ही हैं. तो पहला उसने क्या किया, आपके महापद्मा, उसका जो पानी था उसको ड्रेन आउट किया. सेकेंड चीज़ जो इसने इम्पॉर्टेंट की थी वो ये की थी कि कॉन्फ्लुएंस किया आपके सिंधु एंड वितस्ता रिवर के पानी को. क्लियर, क्लियर. चलो आगे. द नाउ फ्रॉम ऑल द वर्क्स ही हैज डन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इज कि इसने अपने नाम पे एक शहर बनाया था अवंतीपुरा, और वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए थे. जो भी आपके एंशियंट टेम्पल्स हैं, एक तो किसके द्वारा बनाए गए हैं वो तो है ही है, बट दोज एंशियंट टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू विच डाइटी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये वाला टेम्पल डेडिकेटेड टू विच डाइटी. वन थिंग टू रिमेंबर इज अवंती वर्मन हिमसेल्फ वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, बट इसका जो मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एंड हु वॉज वेरी क्लोज टू हिम वॉज सुरा. सुरा वॉज यूज टू फॉलो शैविज्म, मतलब वो शिव का भक्त था और ये आपके विष्णु का भक्त था. एंड अवंती वर्मन नेवर टोल्ड सुरा कि ही इज एक्चुअली ही फॉलोज वैष्णिज्म. इसने अपने डेथ बेड पे जाके कहीं इसको बताया था कि आई फॉलो वैष्णिज्म, जबकि सुरा जो था ऑलवेज बिलीव कि ही इज शैविज्म, कि ये शैविज्म को ही फॉलो करता है. इसीलिए जब दो टेम्पल्स बने थे तो एक टेम्पल विष्णु का था और एक टेम्पल शिव का था, और जो शिव का टेम्पल था वो एक्चुअली डेडिकेटेड टू हिम ही है. नाउ व्हेन आई टोल्ड यू कि राज तरंगिनी के पांचवी बुक में ये चीज़ मेंशन किया गया है कि इन दोनों के बीच में कॉर्डिनल रिलेशन था, उसका सबूत हमको यही मिलता है क्योंकि उसके साथ में ये भी मेंशन है, इसी के चलते बिकॉज ही वॉज डेडिकेटेड टू शिव, उसने शिव को डेडिकेट करते वहाँ पर एक टेम्पल बनाया था. क्लियर. चलो थोड़ा मुस्कुराए, आप इतने दुखी हैं, ठीक है. आगे लिखो. द किंग फाउंडेड द टाउन ऑफ अवंतीपुरा, द किंग फाउंडेड द टाउन ऑफ अवंतीपुरा. अब ये छोटा हो गया, नहीं अब ये रुक गया. ओ वाओ, चलो. सो ही बिल्ड द टाउन ऑफ अवंतीपुरा एंड बिल्ड टू टेम्पल्स, एंड बिल्ड टू टेम्पल्स. अवंती स्वामिन एंड अवंती स्वरा, अवंती स्वामिन एंड अवंती स्वरा. अवंती स्वामिन डेडिकेटेड टू विच डाइटी, विष्णु, लॉर्ड विष्णु. एंड दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव. एंड सुरा प्रैक्टिस शैविज्म, मतलब वो शिव की तरफ इंक्लाइंड थे, ठीक है. सो ये दो टेम्पल्स के नाम याद रखने, नाम से ज़्यादा ये तो याद आ जाए किसने बनाया क्योंकि अवंती अवंती स्टार्टिंग में है, बट स्वामी एंड स्वरा याद रखना है. स्वरा इज फॉर शिव, स्वामी इज फॉर विष्णु, ठीक है. बोथ बिल्ड बाय हिम. और इसी टेम्पल का जिक्र करते हुए राज तरंगिनी में लिखा गया है कि दे बोथ हैड वेरी गुड रिलेशंस. क्लियर. आगे. द चीफ मिनिस्टर सुरा, सुरा फाउंडेड, सुरा एस यू आर ए, कब से सुरा सुरा कर रहे हैं. द चीफ मिनिस्टर सुरा फाउंडेड द टाउन ऑफ सुरापुर, नाउ अगर आप इन सब चीजों को गूगल करने लगेंगे तो इनके नाम नहीं चलते पता कि ये प्रेजेंट डे कहां पे, क्योंकि मैक्सिमम जो है इनमें से एक्सटेंट हो चुके हैं, इनके रिमेन्स भी हमको नहीं दिखते हैं. तो अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको ना मिले. हाँ जी, ये हाँ, आई रिपीटेड. सुरा founded the town of
Surapur. Founded the town of Surapur. Whereas Suya, founded the town of Suyapur. और उसने वहां पे एक सेतु भी बनाया था. सो सुया सेतु, ये दोनों चीजें किसके द्वारा बनी गई हैं? सुया के द्वारा ही बनी गई हैं. सो सुरा के तरफ से सुरापुर और इनकी तरफ से सुयापुर, अवंती वर्मन की तरफ से अवंतीपुरा. ठीक है, वेरी गुड. चलो आगे. एनीथिंग, कुछ पूछना है? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके. नाउ अवंती वर्मन, अपार्ट फ्रॉम डूइंग सो मच फॉर द पब्लिक वेलफेयर, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, अवंती वर्मन वॉज अ पेट्रन ऑफ लर्न्ड मैन. मतलब इस जो भी लर्न्ड मैन होता था उसकी नज़र में वो बहुत ही बड़ा गुणी आदमी बन जाता था. जैसे आपका अकबर था, अकबर वॉज अ पेट्रन ऑफ लर्न्ड मैन, कि भैया जो भी पढ़ा लिखा आदमी है उसकी इज्जत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सिमिलरली अवंती वर्मन ऑल्सो हैड दैट माइंड सेट. अब हमको चलता कैसे है पता कि अवंती वर्मन हैड दैट माइंड सेट? क्योंकि वो सब लोग जो भी लर्न्ड होते थे, दे यूज टू गेट अ स्पेशल सीट इन हिज सभा. तो जो भी अगर कोई लर्न्ड मैन आता था, कोई पढ़ा लिखा लगा कि वो भाई कमाल का आदमी है, तो ही यूज टू गेट अ सीट इन हिज सभा. सीट इन हिज सभा का मतलब ही यूज टू सर्व एज अ नोबल. ही यूज टू सर्व एज अ नोबल. नाउ देर आर मैनी नोबल्स जिनके नाम है, जिसमें से एक दो के नाम आई एम गोइंग टू मेक यू राइट. उनमें से एक नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके द्वारा एक लिखी गई चीज़ है जो एक बारी आपके पेपर में पूछी गई थी. सो सिर्फ मैं अगर बता दूंगी कि ये बुक इनके द्वारा, सो यू वुड अंडरस्टैंड किनके द्वारा लिखी गई है. इनके द्वारा लिखी गई है और ये थे कौन? ये एक लर्न्ड मैन थे इन द कोर्ट ऑफ अवंती वर्मन. लिखो, अवंती वर्मन वॉज अ पेट्रन ऑफ लर्न्ड मैन. Was a patron of learned men. Patron, patient नहीं यार, patron. ठीक है, मतलब बहुत पूजते थे उन लोगों को. Did I sound patient? Don't tell me. So it is Mukta Kana. I'll make you write. Don't worry. लिख लिया, patron of learned men. लिखो in. Mentioned in Kalhan's Raj Tarangani, full stop. Mentioned in Kalhan's Raj Tarangani, in Kalhan's Raj Tarangani, the few examples are Ratnakara, comma, मुक्ताकना, एंड आनंद वर्धन. फाइन, सो हू वर दीज पीपल? देवर लर्न्ड मैन. और कहा मेंशन है? कल्हान की राजतरंगिनी में इनके नाम मेंशन है. लिखो, A famous book Devyaloka, or Devyalok, because A is silent, was written by Anand Vardhan. ये लिखा है जी, ये देखिए, दिख रहा है पीछे या शुड आई राइट ऊपर? पीछे दिख रहा है ना? खत्म. ऊपर लिखना तो आई विल राइट ऊपर, कोई बात नहीं. ठीक है.
फाइन. सो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है. नाउ अवंती वर्मन की जब डेथ हो गई उसके बाद देर वॉज नो एबल रूलर जो आए थे. नाउ बहुत जगहों पे ना वहाँ पे दिया होता है कि ये अब ब्राह्मण एरा शुरू हो गया था ये वो. हमको उस चीज़ों में नहीं घुसना है. क्यों नहीं घुसना है? बिकॉज नो बडी आस्क्स अबाउट इट. और आपके बुक्स में भी उन चीज़ों के मेंशन चीज़ें नहीं है. हमको बस याद रखना है एक दो किंग्स के नाम. क्यों याद रखने? क्योंकि उनको हटा के आएगा आपका नेक्स्ट डायनेस्टी. वॉट वॉज द नेक्स्ट डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी. वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, क्योंकि बाकी क्लासेस में देवर से लोहार डायनेस्टी के. सो उससे पहले इट वॉज गुप्ता डायनेस्टी. अब लिखो नेक्स्ट किंग का नाम. लिखो शंकर वर्मन. शंकर वर्मन, शंकर वर्मन. नेक्स्ट किंग का नाम है शंकर वर्मन. ही डिड नथिंग, नो नीड टू रिमेंबर. बट हिज वाइफ डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब लिखो सुगंधा. सुगंधा अभी नहीं, अभी मैंने गुप्ता की बात नहीं की है. अभी मैंने बोला कि नेक्स्ट डायनेस्टी लोहार, क्योंकि बुक्स में आपको लोहार डायनेस्टी दी होती है. लेकिन उससे पहले आपके गुप्ता डायनेस्टी आई थी. अभी ये आपका वही चल रहा है. दुर्लभ वर्धन, फ्रांसिस बर्नियर. हाँ, वो ललित आदित्य के टाइम पे बताया था, कल बताया था ना वो आपको. वो ओहो सुनो, वो कौन था? लिसन, वो कौन था? जब ललित आदित्य केम, लिसन, डोंट गेट कंफ्यूज. व्हेन ललित आदित्य केम, उस टाइम पे जितना भी पार्ट्स थे वो सब टूटे फूटे थे. इसीलिए ललित आदित्य ने पूरा ट्राई किया था कि अपने फर्स्ट हाफ में क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, और सेकंड हाफ में क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, जिसके चलते उसने कनौज वगैरह में एक्सपीडिशंस भी किया था. व्हेन ललित आदित्य केम, आई टोल्ड यू, उस टाइम पे नॉर्थ ऑफ कश्मीर में चाइनीज रूल कर रहे थे. एम्परर का नाम वो सी सांग, राइट. अब वो आया कब था? वो आया था दुर्लभ वर्धन के टाइम पे. वो ऑलरेडी कॉन्कर करके वहां बैठ चुका था. समझे आप? आपको ये प्रॉब्लम क्लियर? क्लियर? चलो नहीं, नहीं नहीं, ये आपका एम्परर है, ये अलग है. नॉट दिस वन, वो वाला नहीं. ठीक है, चलो आगे लिखो. नॉट दिस वन. तो शंकर वर्मन, राइट. अब नेक्स्ट का नाम लिखो आप, सुगंधा. ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर? क्वीन दीदा, राइट. बहुत जगहों पे यशोवती का नाम भी दिया गया है और बहुत जगहों पे सुगंधा का नाम भी आता है, जिससे कंफ्यूजन होता है. एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज दीदा. अकेडमिकली क्योंकि हमको पेपर देना है तो उसमें हम दीदा को ही मार्क करते हैं. यशोवती, यस, वो थी, क्योंकि वो बहुत एंशियंट टाइम पे थी. इट इज बिलीव दैट शी वॉज क्राउंड बाय कृष्णा हरसेल्फ, कि उसको क्राउंड बाय कृष्णा हिमसेल्फ, कि कृष्ण ने आके ही उसको क्राउन दिया था. बट अकेडमिकली हम लोग दीदा का नाम ही लिखते हैं. लेकिन दीदा से पहले अगर ऐसी कोई क्वीन थी जिसने सर्व किया था क्वीन की तरह, तो इट वॉज सुगंधा. लेकिन हम सुगंधा को एज अ फर्स्ट क्वीन नहीं मानते, हम दीदा को ही मानते हैं. सुगंधा लाइक द जस्ट लाइक दीदा, उसने भी पहले एज अ रीजेंट का काम किया था एंड लेटर ऑन फॉर टू ईयर्स शी सर्व्ड एज अ फुल फ्लेज्ड क्वीन. ठीक है, नाउ सुगंधा. नाउ सुगंधा वॉज अ वेरी एबल लेडी. सुगंधा के बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सुगंधा ने अपने नाम के क्वाइंस मिंट किए थे. क्या किए थे? क्वाइंस मिंट किए थे. लिख लो, शी मिंटेड क्वाइंस बाय हर नेम. अभी शंकर वर्मन के बाद द लेडी हु केम वॉज सुगंधा. अभी गुप्ता नहीं आया है. मैंने कितनी शंकर, अभी मैंने गुप्ता बोला कहाँ आया है? अभी मैंने बोला ही नहीं गुप्ता आया है. हाँ हाँ, उसकी वाइफ थी. गुप्ता अभी नहीं आया है. इज देयर एनी कंफ्यूजन? इज देयर एनी कंफ्यूजन? गुप्ता भी नहीं आया है. गुप्ता भी आना है, अभी आया नहीं है. ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि इसके बाद गुप्ता इज गोइंग टू कम, अभी आया नहीं है. ठीक है, सो सुगंधा लिखो, शी मिंटेड क्वाइंस ऑन हर नेम.
Now, by which name did she minted the coins? आपको ऑप्शन आएंगे सुगंधा, सुगंधा देवी, सुगंधा देव. तो याद रखना सुगंधा देव के नाम से इसने अपने आप को मिंट किया था. सुगंधा देव, yes, not देवी. So, इस नाम से इसने क्या किया था, अपने कॉइन्स को मिंट किया था. क्लियर? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर? नो कंफ्यूजन. अब आगे किंग का नाम लिखो. यशकर देवा, यशकर देवा. He also has done nothing. लेकिन इनका आपको बस एक चीज याद रखनी है कि इनका माइनर सन था. माइनर सन का मतलब जो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि राजपाट को संभाल सके, बट ऑफकोर्स क्योंकि ये नहीं थे सो ही हैड टू कम. सो यशकर जो आपका ये देवा है, इनका बेटा था संग्राम. इनका सुन लो, आई मेक यू राइट. उनका बेटा था संग्राम. अब संग्राम के साथ होता है एक हादसा. हादसा क्या होता है, यश ये जो है बेचारे कर देवा, ये अपने बेटे को लेते हैं और पकड़ा देते हैं किनको, जो भी उसी बेटे को मार देगा. सो अब क्या करते हैं, ये जो आपका यशकर देवा है, ही गिव्स हिज इन्फेंट और माइनर चाइल्ड टू पर्व गुप्ता. ही गिव्स इट टू पर्व गुप्ता और उसको बोलता है कि तुमने क्या करना है, इसका पूरा ध्यान रखना है. लेकिन इन द ग्रीड ऑफ द किंगडम ये इन्हीं के माइनर सन को मार कर गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है? सो इनका नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि इनके बेटे थे संग्राम और संग्राम वॉज अ इन्फेंट और जिसको संभालने को दिया गया था बेटा, दैट इज पर्व गुप्ता, उन्होंने ही इनको मारा और स्टार्ट कर दिया आपका गुप्ता डायनेस्टी को. इट इज बिलीव्ड कि इन्होंने इसके ऊपर पत्थर वगैरह बांध दिए थे और जेलम में इनको डुबो दिया था. लेकिन ये वहां से बाहर आ गए थे, अभी नहीं मरे हैं, ये बाहर आ गए थे. लेकिन बाद में सुनो, सच्ची में यार हंस रहे हो, सच्ची में ये बाहर आ गए थे वहां से, मतलब इनको बचा लिया गया था. लेकिन लेटर ऑन इन इतने छोटे थे, इतना पानी अंदर भर गया था कि बाहर आकर इनकी डेथ हुई. तो पानी के अंदर ही डिड नॉट डाई. ठीक है, चलो आगे लिखो. लिखो, यशकर देवा हैड अ सन संग्राम. Had a son, Sangram, who was killed by Parvagupta. Who was killed by Parvagupta. And this led to the emergence of new dynasty, Gupta dynasty. Clear? फाइन. तो फाउंडर कौन है, सो लिखो, फाउंडर वॉज पर्व गुप्ता. डन. नेक्स्ट किंग का नाम जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, दैट इज योर खेम गुप्ता. सेम गुप्ता और खेम गुप्ता, बिकॉज के इज साइलेंट. अब इन्होंने अपनी जिंदगी में एक काम सबसे अच्छा किया, क्या करके, क्वीन दीदा से शादी करके. नाउ हु वाज क्वीन दीदा, क्वीन दीदा वाज द डॉटर ऑफ किंग ऑफ लोहार. मतलब जो लोहार वहां पे थे उनकी डॉटर वाज योर दीदा. सो ही मैरिड दीदा. अब सुन लीजिए पहले कहानी, उसके बाद आई विल मेक यू राइट. नाउ दीदा व्हेन शी गॉट मैरिड, नथिंग टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट बिकॉज वी आर लर्निंग हिस्ट्री तो एक स्टोरी की तरह सुनोगे तो मजा आएगा. क्वीन दीदा व्हेन शी गॉट मैरिड शी वाज 26. 26 का मतलब हो गया कि आधी उम्र तो निकल गई भाई शादी करने की. क्यों निकल गई, क्योंकि उस टाइम पे गर्ल्स यूज टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 7, 8, 4, जबकि इन मैडम की शादी हुई थी 26 साल की उम्र में.
26 साल की उम्र में शादी होने का मतलब ये था, क्यों नहीं हुई थी? बिकॉज शी हैड अ बर्थ डिफेक्ट. इनको एक डिसऑर्डर था, इनको एक बर्थ डिफेक्ट था, और वो डिफेक्ट क्या था? दैट शी वॉज लेम. लेम का मतलब लंगड़ी थी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट इनको फुट में प्रॉब्लम थी. सो शी कुडंट वॉक प्रॉपरली, जिसके चलते बहुत टाइम तक इनकी शादी हो नहीं पाई. बट सेम गुप्ता की किस्मत चमकनी थी, जिसके चलते ही गॉट मैरिड टू दीदा. जैसे ही गॉट मैरिड टू दीदा, वैसे ही सेम गुप्ता वॉज हेड ओवर हील्स कि भाई जो है अब तो बस दीदा ही दीदा है. इसके चलते सेम गुप्ता ने जो अपने कॉइन्स भी मिंट करवाए हैं उसमें दीदा शेमा लिखा गया है, ठीक है? सो ही वॉज हेड ओवर हील्स विद दीदा, एंड दीदा वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट एंड अ विकेड क्वीन. इंटेलिजेंट, ब्यूटिफुल, विकेड कहाँ मैंशनड है? ये सब कुछ राज तरंगिनी में मैंशनड है कि ये इतनी विकेड थी. अब राज तरंगिनी में इनको कंपेयर किया गया है हनुमान के साथ. अब कंपेयर क्यों किया गया हनुमान के साथ? हनुमान के साथ कंपेयर करने का मतलब ये हो गया कि जब सीता माँ वॉज टेकन अवे टू लंका, उस टाइम पे देयर वॉज अ पानी बीच में विच हैड टू बी क्रॉस्ड, एंड हनुमान क्रॉस्ड इट बाय मेकिंग अ सेतु. सिमिलरली शी इज कंपेयर टू हनुमान बिकॉज शी स्टेप्ड ओवर एवरी वन हु केम हर वे. जितने भी नोबल्स थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, जो जितना बड़ा काम करता था उतनी ही सस्पिशियस दीदा यूज टू बिकम कि अगर इसने अब इतना बड़ा काम कर दिया, ये कहीं दूसरा काम मुझे मारने का ना कर दे. सो शी वॉज सो सस्पिशियस. इसका बात ये थी बिकॉज सेम गुप्ता व्हेन ही डाइड, उस टाइम पे इनका बच्चा वॉज अभिमन्यु. मोस्ट जगहों पे अभिमन्यु 2 के नाम से इनको रेफर किया गया है. अभिमन्यु 2 वॉज अ इन्फेंट और अ माइनर. जब अभिमन्यु, जब ये सेम गुप्ता मरते हैं आपके 958 में, उस टाइम पे देवर लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी कि भाई अभिमन्यु को भी मार दिया जाए और दीदा तो वैसे ही इसको हम मार देंगे और फिर हम अपनी डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे. लेकिन दीदा इसको उठा के किसी फोर्ट में जाके छुप जाती है और फिर बाहर ला के उसको डिक्लेयर कर देती है एज द न्यू किंग, ठीक है? अब दीदा की लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम आगे लेक्चर्स में करेंगे भी. कल हम करेंगे दीदा एज अ क्वीन, बट दीदा इनिशियली सर्व्ड एज अ रीजेंट, इनिशियली सर्व्ड एज अ रीजेंट फॉर हर सन एंड देन सर्व्ड एज अ रीजेंट फॉर हर 3 ग्रैंड सन्स. तो वो अपने सन और बाकी के तीनों ग्रैंड सन के साथ शी वॉज द वन हु सर्व्ड एज अ रीजेंट. एम आई क्लियर? लिख लीजिए. क्या हाँ, रीजेंट क्या होता है ना? अब जैसे कि मेरा बच्चा है, ठीक है, पति जी तो चले गए, अब इसको बनाना है किंग. अब किंग बनाने के लिए वो इतना समझदार तो है नहीं कि वो अपने डिसीजंस ले सके. सो आई विल सर्व एज, कंधे पे रख के बंदूक चलाना. सो बंदूक चलाना चलाऊंगी मैं, और कंधा किसका रहेगा? किंग का. जो किंग सिर्फ नाम के लिए, मतलब इन द नेम ऑफ, कि जो डिसीजंस लिए जाएंगे विल बी टेकन बाय दीदा but in the name of the king. So that is Abhimanyu 2. Done? Chaliye. Queen Dida. Okay, first of all, write down, he married Queen Dida. He married Queen Dida. She was the daughter. She was the daughter of King of Lohar. She was the daughter of King of Lohar. In the Raj Tarangini, it is mentioned that she was a charming, intelligent, and wicked queen. Matlab tez, tarar, theek hai? She had a birth defect. तारीफ़ें लिखनी है. Charming, और क्या बोला? Intelligent and wicked queen. She had a birth defect that she was lame. अब जैसे आपके महाराजा रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह कुंड सी फ्रॉम वन आई, बट ही डिडंट हैड अ बर्थ इफेक्ट. उनको बाद में चल के जब वो बीमार हुए थे, उनको चिकन पॉक्स हुआ था, उसके चलते उनकी एक आंख खराब हो गई थी, बट शी हैड अ बर्थ डिफेक्ट बाय स्माइलिंग.
ठीक है आगे लिखो. क्वीन दीदा रूल्ड ओवर कश्मीर फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी. शी रूल्ड ओवर कश्मीर फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, फर्स्ट एज अ रीजेंट एंड देन एज अ क्वीन. फर्स्ट एज अ रीजेंट एंड देन एज अ क्वीन. फर्स्ट एज अ रीजेंट एंड देन एज अ क्वीन. रीजेंट regent and then as a queen. Done. Aage likho. Shema Gupta was completely influenced by the queen. Shema Gupta was completely influenced by the queen and hence and hence was also known as Dida Sema. And hence was also known as Dida Sema. Okay, write down K also, no? Yahan pe K bhi hai, okay? Dida Sema. K, K, K hai na? अब कहानी में ट्विस्ट. मेन विल बी मेन, सुना है ये आपने. सिमिलरली ही जितना मर्जी हेड ओवर हील्स विद दीदा, ही हैड अनदर वाइफ नोन एज चंद्रलेखा. सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द अदर वाइफ ऑफ सेम गुप्ता? इट वाज चंद्रलेखा. व्हाट हैपेंड? प्लीज शेयर द जोक. सो चंद्रलेखा वाज अनदर वाइफ. Now, Chandralekha is not important. What is important is inke papa ka naam. That is Falguna. Ab ye kin ke papa the? Chandralekha ke papa the? To Sema Gupta ke kya lage? Sasur ji. Ab Sasur ji ko bhi khush karna hai. So, he was given the designation of Prime Minister. He served as a prime minister during the time of Shema Gupta. ठीक है? So अगर आपको कहीं कॉपी पे दिखेगा, बुक में दिखेगा कि फाल्गुना, so who was Falguna? ये इनके फादर इन लॉ थे. डन. हाँ, he served on the post of prime minister during the time of Shema Gupta. नाउ सेम गुप्ता डाइड इन 958, जिसके चलते दीदा ने बोला कि भाई इससे पहले कि मुझे हटाया जाए मैं सबको हटा दूं. अब दीदा ऑलवेज थॉट कि भाई कहीं प्राइम मिनिस्टर है और इतना ज़्यादा फेमस है तो कहीं इसके बच्चे ना आ जाएं कि भाई ख़त्म हो गया गुप्ता डायनेस्टी, हम अपना डायनेस्टी को शुरू करेंगे. जिसके चलते सबसे पहला काम व्हाट शी डिड वॉज इनको कर दिया दफा दफा कि भाई आप जाओ. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग आफ्टर द डेथ ऑफ सेम गुप्ता, द फर्स्ट थिंग विद दीदा डिड वॉज कि इनको इनकी पोस्ट से निकाल दिया गया. फाइन. अब लिखो नेक्स्ट. रुक जाओ फाइव मिनट्स. साढ़े पांच तो आई गॉट द क्लास. 5 मिनट्स आई प्रॉमिस. चलो लिखो. चलो सेम गुप्ता डाइड इन 958 एंड वॉज सक्सीडेड बाय अभिमन्यु. नो नीड टू रिमेंबर द डेट्स. जरूरत नहीं है डेट याद रखने की. नो बडी आस्क अबाउट एंशियंट हिस्ट्री. जो आपकी डेट्स याद रखने वाली होगी आई विल टेल यू, वो आपकी ट्रीटीज में आगे आएंगी. ठीक है. सो अभी इतना याद रखो कि अभिमन्यु सेम गुप्ता मर गए, जिसके चलते अभिमन्यु बिकेम द न्यू किंग एंड दीदा सर्व्ड एज अ रीजेंट. And Dida served as a regent. Now Abhimanyu too also died and nothing, he could also ukhado nothing. So next up who came was Nandigupta. Likho Nandigupta.
NANDIGUPTA नंदी गुप्ता. ना हु वॉज नंदी गुप्ता? बेटा तो हो नहीं ना सकता. सो कौन होगा? ये ग्रैंड सन होगा. सो ही वॉज द ग्रैंड सन. ग्रैंड सन चंद्रलेखा भी तो है. चलो ठीक है. सो नंदी गुप्ता ग्रैंड सन ऑफ सेम गुप्ता. ऑब्वियसली ही वॉज द ग्रैंड सन. ग्रैंड सन कितने किसका? दीदा का ग्रैंड सन था. नेक्स्ट लिखो. नंदी गुप्ता केम टू द थ्रोन एंड अगेन दीदा रिमेन द रीजेंट. अगेन दीदा रिमेन द रीजेंट. Remained the regent. अब इनके तीन हैं grandsons. तीनों grandsons के नाम याद रखो. इन्होंने कुछ भी नहीं किया है. हमको सिर्फ तब पढ़ना है जब दीदा as a queen serve करेगी. So number one is नंदी गुप्ता. Number two grandson का नाम लिखो भीम गुप्ता. भीम गुप्ता BHIMGUPTA भीम गुप्ता. भीम गुप्ता. और third grandson का नाम है त्रिभुवन. TRIBHUVANA त्रिभुवन और त्रिभुवना बट ए इज साइलेंट. ठीक है. नंदी गुप्ता भीम गुप्ता एंड त्रिभुव. ठीक है डन. चलो लास्ट लाइन. अब ये चीज याद रखना दीदा वॉज अ विकेट क्वीन. हमको चलता इसलिए है पता बिकॉज जो ये ग्रैंड सन्स थे ना नंदी गुप्ता तो डाइड हिमसेल्फ. वो बेचारा खुद ही मर गया. लेकिन इसने अपने ग्रैंड सन्स को भी नहीं छोड़ा. जो आपका त्रिभुवन था ही ट्राइड कि ये उसके खिलाफ कुछ बोले जिसके चलते दीदा ने उसी को ही मरवा दिया. एंड सेकंड ऑफ ऑल जो आपका ये दूसरा आया है भीम गुप्ता उसको प्रिजन में डाल दिया गया क्योंकि ही ऑल्सो स्टार्टेड टू रिवॉल्ट. उसको प्रिजन में डाल दिया गया एंड ही वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ. सो दिस वॉज हाउ दीदा एज अ रीजेंट वॉज. अब हेडिंग डालो दीदा एज अ क्वीन. हाँ अब आगे भी सुनो दीदा एज अ क्वीन जिसको हम करेंगे